गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा रान शोल्डर फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स सी फूड स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है विद प्लेजेंट एम्बियंस वाइड रूम स्पेस विद टू दस्तरखान सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18 इवेंट एंड पार्टी स्पेस सिटिंग कैपेसिटी 120+ पार्किंग अवेलेबल द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स आज ही आए हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के जीवन बाग के समनान पार्क में बिल्डर ने गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है और रात के समय ये लोग रास्ते पर भी उतर गए। स्थानीय लोगों के साथ साथ SDPI पार्टी के कार्यकर्ता भी गेट लगाने का विरोध कर रहे हैं। SDPI के कार्यकर्ता मोहम्मद ने बताया कि इसके पहले इस इलाके में अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जिसका काम रुकवाया गया। उसके बाद बिल्डरों ने जीवन बाग समनान पार्क के स्थानीय लोग जिस रास्ते से आया जाया करते थे, उस रास्ते पर अब गेट लगा दिया है, जिसकी वजह से कोई बीमार हुआ तो उसे ले जाना ले आना, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा वगैरह भी इस रास्ते पर नहीं आ पा रही है। आपको बता दें कि मुंब्रा कौसा में ऐसे अब तक कई मामले सामने आए हैं जहाँ पर बिल्डरों की मनमानी देखी गई है। कहीं पर बिल्डिंग बनाने के लिए चौल में रहने वाले लोगों को धमका कर बिल्डिंग बनाने के लिए खाली करवाया गया, तो कहीं इसी तरह से गेट लगाकर लोगों को आने जाने के लिए रास्ता रोका गया। और अब एक बार फिर जीवन बाग के समनान पार्क में ये मामला सामने आया है, जहां बिल्डर की मनमानी सामने आ रही है। जो लोग बता रहे हैं कि बिल्डर मनमानी कर रहा है और यहां पर गेट लगा दिया है। स्थानीय लोगों ने और SDPI पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। भूपेन भाई, इस गेट को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, क्या बताना चाहोगे? काफी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो इलाके का नाम है जीवन बाग है, इसके पहले कुछ बिल्डर लोग ने इनलीगल बिल्डिंग बनाए थे। आपके न्यूज के माध्यम से हम लोग ने सबको बुला के न्यूज वायरल की थी। हाँ, बना नहीं, कॉलम गाड़ दिए थे, पिल्लर भी खड़ा हो गया था। तो हम लोगों को यहाँ की आवाम ने एप्लीकेशन दी थी, हमारी पार्टी SDPI को एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पे कुछ बिल्डर लोग इनलीगल काम कर रहे हैं, जिससे हमारे को तकलीफ है, हम हमारे घर नहीं देना चाहते। कुछ लोग बिल्डर के चमचे डरा रहे थे कि तुम्हारा घर चले जाएगा। हाँ, आपकी पार्टी को क्यों एप्लीकेशन? क्योंकि हम लोग एक्चुअली यहाँ ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ का ग्राउंड वर्क पे मैं हाँ स्थानीय को और यहाँ के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के छोटे बड़े मसाले तो मैं हर मसले में खड़ा होता हूँ। तो यहाँ पे जब मसला बताए तो हम लोग की पार्टी को एक एप्लीकेशन इन्होंने लिखे, जिसके लिए हम मनपा से पत्र व्यवहार किए, RTI वगैरह मार के वो जो कॉलम वगैरह थे उसको हमने कटवा दिए और गड्ढे भी भरवा दिए, 2 गड्ढे भी बाकी है। तो उसके बाद में लोगों ने क्या किए, बिल्डर लोगों ने, कि लोगों ने वो जलापे में गेट मार दिए। ये जो रोड है DP रोड है, और DP रोड पे लोगों ने गेट मारे, और उसके बाद मारने के बाद जब आपने उनको सुना कि उनकी रिक्शा अंदर जाने नहीं दिए, कि ऊपर अगर पेशेंट वगैरह रहता है तो वहां से ना यहाँ लाने तक 15 मिनट लगता है हाथ में। आपको पता है कोई सीरियस पेशेंट होता है, हार्ट का पेशेंट होता है, कोई सीरियस पेशेंट होता है, उसके लिए जिंदगी 1-1 मिनट की माने रखती है। यहाँ हमारी रिक्शा लगी रहती है, वहां पब्लिक जाकर गोद में उठा के लाएगी, 15 मिनट उसको लगेगा गोद में लाने का। कोई हेल्दी पेशेंट को गोद में उठा के नहीं ला सकते, उसकी जान गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, जब ये गेट लग रहा तो आपने विरोध किया था ये? एक्चुअली कैसा है, जब गेट लग रहा था ना, हम लोगों को पता चला और स्थानीय लोगों ने बताया, फिर वापस इन्होंने हमने को हमारी पार्टी SDPI को एप्लीकेशन दिया, तो हमने ऐसे पत्र व्यवहार चालू किया। देखिए, ये SDPI का लेटर है जो हमने मुंब्रा प्रभाग समिति को दिया, और इसका हम लोग कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे थे। अगर हम डायरेक्ट आकर रुकाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये कानून के विरोध होगा, कुछ लफड़े झगड़े होंगे तो लोग बोलेंगे कानून है। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ये DP रोड है, तो हाँ, आपके पास पुरावा है कि डीपी रोड है? हाँ, क्योंकि देखिए, यहाँ के जो जुने लोग हैं उनसे मैंने बैठकर बात किया, जब ये बिल्डिंग का काम रुकाए थे तो काफी लोगों के मुझे कॉल आए थे कि भाई मुबारक हो, आपके बड़े बड़े फोन आने वाले, और लोगों ने धमकी भी दी थी। तो हमारी पार्टी का नारा है कि भूख से आता थी खौफ से आता थी, हम ना खौफ से रहते ना किसी तरह, हम लोग जालिमों के खिलाफ खड़े हुए, इसलिए हम लोग डट के खड़े थे, हम लोग बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। तो हम लोग ने पत्र व्यवहार किया, तो आज मुझे जो यहाँ के आयुक्त है उनके पास मैं कंटिन्यू गया हूँ,
उस दिन मैं गया तो उनका बिहेव ऐसा था, मैंने उनको बोला कि सर मैंने एप्लीकेशन दिया गेट के लिए, गेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ के बिल्डिंग वाले लोग की भी कंप्लेंट है कि वो एम्बुलेंस नहीं घूम पा रही है। तो उनका व्यवहार ऐसा था, उनका नाम एक भालू जो सर यहाँ के टीएमसी ऑफिस, हाँ, तो उनका बोले मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यू ना उनको परेशान कर दिए थे कि आप ये करो करो, जब जाके उन्होंने कि सलिया काट दी। तो मुझे उन्होंने ऐसा कहा कि हम तुम्हारे लिए बैठे, क्या मिला सर हमारे लिए, तो किसके लिए बैठे आप, बोले मैं जब करना रहेगा तो करूंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू फॉलोअप देता था फाइव ब्रिगेड के बाजू में, तो आज उनको मैंने कॉल किया था, उन्होंने बोले मेरे पास लेटर आया है, मैं कल जाके इंक्वायरी करूंगा, देखूंगा अगर हुआ तो काटूंगा, ये बिहेव था उनका, जो अभी हफ्ता भर हुआ लेकिन गेट का कुछ हुआ नहीं है। तो गेट लगाने वाले कौन थे? गेट लगाने वाले यहाँ के सोसाइटी वाले, यहाँ के बिल्डर लोग और बिल्डर के जो कुछ लोग है, देखिए यहाँ का जो बिल्डर है उनका नाम है अनवर भाई है, और यहाँ जो देख रेख करते वॉचमैन लोग है कोई, वो लोगों ने खड़े रहकर गेट लगवाया है, तो ये बिल्डर लोग जो है उनके बोलने से ही लगे ले गेट। और हमारा यही है, कुछ मसला नहीं हम लोगों को, ये गेट हटे, डीपी रोड है ये गेट हटे, और हम लोग का कोई मसला नहीं। और दूसरी चीज कि इन लोग जो रास्ता हम लोगों को, वो जो लोकल की ये लोगों ने वहाँ का रास्ता बंद किया, वहाँ का रास्ता बंद किया, और ये लोखंड की सीट आगे दी, 60-70 साल के जो बुजुर्ग है उन लोग को चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इन लोग क्या कर रहे हैं, वो लोखंड की सीढ़ी को हटा रहे, रास्ता बंद करके पीछे से दे रहे हैं। आप पीछे से देंगे तो हम लोगों को यहाँ मरीज को लाने आधा घंटा लग जाएगा। हुसैन भाई अगर जो आपकी मांगे है गेट निकालने के लिए, या आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो आप लोगों का अगला कदम क्या? देखिए हमारा अगला कदम एकदम स्टैंड क्लियर है हमारा, जो हमें संविधान इजाजत देता है, अगर ये गेट नहीं हटा डीपी रोड पे, हम यहाँ की 1200 से 1500 आवाम है, हमारे नॉन मुस्लिम भाई है वो, और हमारे एसडीपीआई के तमाम कार्यकर्ता 600 से 700 कैडर, हम जाएंगे मुमरा प्रभाग समिति के साथ धरना देंगे। क्या नाम है आपका? रमजान अली यासी गली से। रमजान भाई आपने हमें यहाँ बुलाया है, क्या परेशानी है आपकी? मेरी परेशानी थी, मेरी माँ का तबीयत खराब था, मैं कलवा हॉस्पिटल में एडमिट किया था। कब की बात है? ये एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता। उसके बाद में यानी गेट के लगने के दो दिन के बाद में, कहाँ पर लगाया ये? एक गेट इधर लगा हुआ है, रिक्शा यहाँ तक का आई। इस जगह का नाम? ये जगह है शबनम पार्क, जीवन बाग, समनम पार्क। क्या हुआ था? तो मैं एडमिट करा के, मैं अपने माँ को यानी एडमिट हुए थे, डिस्चार्ज करा के लेके आया, तो यहाँ पे खड़ा हुआ, तो रिक्शा खड़ा थी, गेट बंद था, तो मैंने बोला भाई गेट खुल सकता क्या? तो एक भाई बोले हाँ खुल सकता, जाओ चाचा से बात करो। तो मैंने गया चाचा के पास, मैं ये अरे अहमद चाचा, तो उन्होंने क्या बोले, गेट नहीं खुलेगा, गोद में उठा के लेके चले जा। तो हम लोग गोद में उठा के लेके हमको जाना पड़ा मजबूरी। तो आप कहाँ रहते हो? मैं ऊपर रहता हूँ चाली में, पहाड़ पे कैलाशगिरी चाल, तुम्हारे वहाँ। तो क्यों नहीं खोला गया था? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये गेट नहीं खुला, वो शायद वहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी, और ये नहीं सब लोग ऑब्जेक्शन लिए, बिल्डिंग नहीं बनी, वो ठसन में गेट साइड लगा कि अल्लाह बेहतर जाना। गेट लगाया गया? हाँ, ये पहले नहीं था, हाँ ये तो नहीं मालूम, लेकिन पहले गेट नहीं था, अभी गेट लगा था। कितने दिन हुआ लगा? ये लगा के दो ही दिन हुआ था, तभी तो मेरे माँ का जब मैंने डिस्चार्ज करा के लाया तभी हुआ है। अभी लगा के कितना दिन हुआ? जब गेट लगा उसके दो दिन के बाद में मैंने लेके आया था डिस्चार्ज करा के माँ को। महिलाओं को लेकर आए हो, क्या पूरा मामला है? सर देखिए, ये जो हमारे घर के सामने इलीगल बिल्डिंग बन रही थी, तो इसके वजह से हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया, तो ऑब्जेक्शन में उन लोगों ने ठसन की वजह से ये गेट लगाया। और जो कि ये गेट है ना, गेट लगाने वाले कौन है? गेट लगाने वाले यहाँ के जो बिल्डर है वही है। क्या नाम है? वो बिल्डर का नाम क्या था? वो बिल्डर का नाम नहीं मालूम, मगर जो मैंने जो जैसा है यहाँ अहमद करके, सब अहमद चाचा बोलते हैं, उनका ही ज्यादा चलता है इसकी वजह से, और इसके आगे मैं जानती नहीं। मगर जो भी पब्लिक बीमार हो रही है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे कुछ भी हो, बाईपास से लेके यहाँ तक का, क्या वो शख्स, वो इंसान अपने घर की फैमिली को क्या पहाड़ पे उठा के लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता है। उस दिन भी यही वजह से ये अपनी माँ को लेके जाना पड़ा पहाड़ के ऊपर, और हमें यही रास्ता, ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये रास्ता बंद करो, ये रास्ता हमको बंद नहीं करना, क्योंकि 30 साल से ऊपर का ये रास्ता है सर। 30 साल से? हाँ 30 साल पहले अभी लगाया गया। जी हाँ, अभी फिलहाल एक हफ्ता हुआ है ये गेट लगाने के, वो लोखंड की सीढ़ी पुरानी है, पहला उस साइड से रास्ता था, तो बिल्डर ने वहाँ का बिल्डिंग किया और वहाँ से है ना बंद किया रास्ता, तो हम लोगों को ये रास्ता दिया, ये रास्ता हम लोगों के लिए सही है, और ये रास्ता हम बंद करना नहीं चाहते। तो आपने यहाँ पे कोई पत्र व्यवहार किया था क्या थाना महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति? नहीं सर।
तो जब ये गेट लग रहा था तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया था? सर इसका विरोध किया, हम लोग कोशिश किए थे